गत दिवस भार्गव कैंप में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान एडीसीपी सिटी 2 अमरीक सिंह पवार ने बताया कि इस मामले में हीरा विकास और उसके साथी विक्की मक्खी का नाम सामने आया था, जिसमें हीरा और विक्की को लोगों ने घटनास्थल पर ही दबोच लिया था, जबकि विकास भागने में कामयाब हो गया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दो देसी कट्टे, चार जिंदा कारतूस, 120 ग्राम नशीला पाउडर तथा वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा बरामद की गई है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसकी तलाश में भी छापेमारी जारी है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट होया इन्हें अगे भी 7-8 परचे दर्ज ने मेरा तो 4 सजा हो चुका, एक पी ओ है तो एक जिला साहब है। ये गए गए इतने भार्गव कैंप थाने के एरिए चलता, तो जोड़े पुराने जेल के बंदे से जो पहलों को आके माड़े मोटे डरा के पैसे ले जाते, कल भी कई तरह आया उन्होंने एक दो बंदे को पैसे मंगे, एक मौला मौला को पैसे मंगे, उन्हें कहा मैं तो कहे पैसे देना, उन्हें लग पे उन्हें माड़ा मोटा कुटिया, मुड़के वापस आके एक्टिवा से आके वेपन लैके आया, तो इन्हें उत्थे कुदरती मौला नहीं सी, भरा से इन्हें पूछा मौला कुछ, तो इन्हें फोन कर दिता जो कोई बचाव हो गया, थोड़ा टच होकर निकल गया, पर इन्हें शराब पीती सी बहुता सुतली सी, इस करके असर फैल बाद पुछगिछ तो ये को दो वैपन ये मैं एक पत्थी नाल एक मुझे नाल हो रहा जरा कि अभी मेरे खाना रहा, दो वैपन जो कि कानपुर को लैके आया, एक पिस्टल है 32 का रिवॉल्वर इसको जिंदा कारतूस भी फड़े ने। सो बाकी पुछगिछ जारी है, ये की मकसद है कि गांह ने कोई क्राइम करना सी पिछे करता हो गया, कल 3 बंदे से 2 गिरफ्तार हो गए, एक रहा वो भी रेड कर रहे हैं, मैं थोड़ा पूरी कराया।